बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप साहब कैसे होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर आने वाली दुख तकलीफ तो निजात दे। इस दुआ जी अज का ब्लॉग शुरू कर दें। शुरू करने पहले छोटी जी अर्ज कर दें, जी मेरी फैमिली सारे नवे ने जिन्हें सारा निधा फैमिली ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बैल आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि सभी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तेरे को टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो में कुछ इस तरह जी, शाम का टाइम हो गया तो शाम का मगरब भी अजान तो कुछ देर कुछ मतलब टाइम रह गया वा, तो मगरब की अजान होने तो तकरीबन अद्धा घंटा रह गया मगरब की अजान होने, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं जी बना लगी हाँ शाम का खाना, तो सूरज भी तकरीबन गुरूब हो ही गया वा। एक तो शहर में सूरज है पता नहीं चलता किधरों चढ़ रहा किधरों लथ रहा वा। तो मैं जी हूँ शाम का खाना बना लगी हाँ। शाम के खाने के मैं लैके आई सी नवी टोकरियाँ, नवे टोकरे लैके आई सी, फिर इन्होंने इस्तेमाल वास्ते टोकरियाँ वगैरह नहीं है सी, तो इन्होंने मैं जोड़ा ना ये बना बना के चीज़ा ऐड कर दी। तो जो शाम का खाना बनाने वो भी मैं अपने बहन मेरे शेयर कर दी कि मैं क्या बना लगी हूँ। सब तो पहले जी मैं आलू छीन लैनी हूँ। सबको सलाम बुलाओ सबसे पहले। हाँ तो आप पूछो कैसे हो आप सब? ठीक है ठीक है। अच्छा क्या कहाँ से आए हो? हाँ ट्यूशन पढ़ के आए हैं। अच्छा सदके मेरा बेटा तो भाई ट्यूशन पढ़ के आया। वाह भाई वाह, टीचर ट्यूशन पढ़ा रहे सी? वाह भाई वाह, फिर मेरे बेटे ने ट्यूशन पढ़ लिया? मेरे बेटे ने ट्यूशन पढ़ लिया? नहीं आपने नहीं पढ़ा? लो जी चूल्हा में चलाया, चूल्हा मेरा चल गया, शुक्र आ कि गैस खड़ा, आज गैस ही माशाल्लाह फिलहाल फुल आ गया। होया शुक्र आ गैस खड़ा, सुल्तान ने कह रहा शुक्र आ, कैसे कह रहे हो? कैसे कह शुक्र आ गैस खड़ा। ये गाजरें सारी आपने ही खानी है? गाजरें आपने ही खानी है? कढ़ाई में ऊपर रख लिया जी, हम मेरे आयल ऐड कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयल जी मैं ऐड करता, आयल थोड़ी देर गर्म हो जाने। आयल मैं ऐड कर दिता वा, आयल गर्म हो रहा वा, ते आयल जी सारा बिलकुल गर्म हो रहा हो गया। इधर किसी प्याज ऐड कर दिए, हर चीज मैं कोल अपने रेडी करके रख ली सी, हर चीज मैं रेडी कर ली सी अपने कोल रख ली सी, हर चीज रेडी करके। मैं इस तो अंदर क्या चूल्हा बाहर कह रहा सी मैं सब्जी लग रही बहुत ज्यादा बाजी, तो मैं फिर बाहर बैठ के नहीं बनाया, तो कह रहा मैं ना अंदर आके बुला के वहीं पर चला के, मैं क्या गैस कम से हम यकदम ज्यादा आ गया, मैं क्या करूं मैं अंदर रख लेनी है। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बच्चे मेरे पढ़ रहे माशाल्लाह जी, ये मामू बैठा उन्हां दा ब्याह है कोल बैठे, तो मैं चलो मैं अंदर चला के बना लेनी है, नाले कमरा भी गर्म हो लेगा। मैं क्या चलो मैं फटाफट अंदर ही चावल बना लेनी है, बाद में अंदर हीटर रख के चलाया शायद गैस कम हो गए, लेकिन शुक्र है कि मैं चूल्हा अंदर रख के चलाया मेरे गैस फुल सीगा। चलो अंदर चावल भी बन जाएंगे, दोपहर में चावल नहीं खाने, मैं चावल नहीं खाने, साढ़े वास जी दोपहर रोटी बनी है, अच्छा भैन भरावान भी खा लेनी है, साले रात वाला बनया पिया बच्चा पिया सी, मैं क्या चलो बच्चे अच्छे चावल बना लेनी है, बच्चे चावल बना के दिनी है, तो बच्चे जोड़े खाने राइस सब्जियां वाले राइस बना दी, उन्होंने सब्जी वाले राइस खाने, असं भैन भरा जो खा रोटी है अच्छी रोटी खावे, फिर
शाम के खाने में रोटी खावे बच्चे राइस खाने तो अज जैन का बहुत दिल सगा ना कह रहा ममा अज आप चावल बना दो सू मैं चलो मैं चावल बना दी हूँ इस करके मैं फिर जैन लाभ जी की फरमाइश से चावल बन गए प्याज ही साढ़े माशाला ब्राउन हो चले ने हम इन सब तो पहले पानी का छटा लगावगी ताकि इन्हों का रंगत निकल जाए फिर उस बाद लहसुन अदरक अदरक में पीसी ऐड कर देंगे अच्छे तरीके मिक्स कर लेने अच्छे तरीके इन्होंने मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा जिन्हें पानी का चटा लगा रही हूँ अच्छा चलो प्याज भी अच्छे तरीके फ्राई हो गए जी और सब्ज़ मिर्च और लहसुन ये अच्छे तरीके फ्राई हो गए नाल ही सब्ज़ मिर्च कटी हुई साग और नाल टमाटर ये भी ऐड कर देंगे अच्छे तरीके जी मिक्स कर लेने इन्होंने अच्छे तरीके फ्राई हो देना मसाला ही साड़ा प्याज लहसुन अदरक मसाला मंगाया वा जैन को मैं जरा यदा वाहवा टेस्ट निकल आता बच्चे जरा शौक न चावल खाते हैं जरा स्पैशल करके ही बना इन्होंने राइस तो मसाला जी मेरा ये बिल्कुल फ्राई हो गया मैं ये सब तो पहले नमक ऐड कर दी बसमिल्लाह रहमान रहीम और जो दूसरे नंबर के रेड मिर्च और जी तीसरे नंबर पर ये जी थोड़ी जी हल्दी और जी चौथे नंबर पर जी ये पीसिया धनिया और पांचवें नंबर पर गरम मसाला ज़्यादा नहीं बस बस आप छठे नंबर पर जी ये बिरयानी मसाला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्होंने अच्छे तरीके मिक्स कर लेने हल्का जल्दी पानी लगाने ताकि मसाला नीचे ना लग जाए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अच्छे तरीके जी मेरा मसाला फ्राई हो गया भुज गया उन्हें सब तो पहले जो आलू ऐड कर दिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और जी दूसरे नंबर पर गाजर ऐड कर दिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और तीसरे नंबर पर भी ये मटर ऐड कर दी बिस्मिल्लाह बच्चों की फरमाइश से राइस बनते पे हाँ निधा फातिमा की गल बेटे निधा फातिमा कंगा लैन वास्ते आई सी गाजर और मटर अच्छे तरीके जी यही मेरे फ्राई हो रहे हैं देखो कि छोड़ते जा रहे अच्छे तरीके मेरे फ्राई हो जाए फिर मैं इन्होंने पानी ऐड कराऊँ तो मैं आयल इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर दी जो डॉक्टर ने मैंने आयल का मना किया वा तो मैं तेज आयल कम ही इस्तेमाल करती हाँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करती बिना चावलों की जरूरत से उस हिसाब में तो सब्जी ज़्यादा वा चावल कम है सब्जियाँ ज़्यादा पाइया उस दिन मैं बनाए चावल मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए तो उस दिन पूरे खत्म वास्ते बनाए से मैं घर बच्चे ही ना उस दिन चावल भी ज़्यादा से बेचे बनाए से बहुत टेस्टी बने सब्जियाँ ज़्यादा से चावल कम से अज भी बच्चे कह रहे हैं ममा सब्जियां जो ज़्यादा पाई तो चावल जोड़े कम बच्चे पाए चावल कम है सब्जियां ज़्यादा वा बहुत अच्छे लग बनेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह जी मैं पानी बच्चे ऐड कर दिता वा तो पानी जिमें उबाला खाएगा जिमें पानी उबलेगा फिर मैं चावल ऐड कर देंगे पानी मैं ऐड करता को मेरा एक हाथ सी इस करके मैं पानी नहीं दिखा सकी सॉरी लो जी मैं चावल देख पानी देख ला उबर रहा या नहीं मान रहे लो जी माशाल्लाह पानी साडा उबल गया हूँ मैं जी इन चावल ऐड कर दिनी हाँ रमान रहीम चावल जी इन्हें मैं ऐड कर दिते ने चावल ऐड हो गए मजीद इन्हों मिक्स कर लें फिर उपर दें ढक्कन ये पक जान रमान रहीम देखो जी सब्जियों काफ़ी ज़्यादा ने ते चावल जोड़े कम ने बच्चे वाकई बहुत मज़ा आएगा खाने का बच्चे लोट पोट हो रहे थे ममा सानू सब्जियों वाले चावल बना दो जी मैं क्या चलो ठीक है मैं बच्चों चावल भी बना के दिनी अपने भैन भैया शेयर भी करती हूँ मैं दिनी उपर ये ढक्कन तो ढक्कन दे के इन्होंने ढक्कन दिनी हाँ फिर इन्होंने जो तैयार हो जाएंगे फिर मैं इन्होंने दम देवगी माशाल्लाह जी चावल मेरे बिल्कुल रेडी हो गए तो मैं इन्होंने हूँ दम तो रख लगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्होंने दिने जी दम दम मैं देता अग मैं बिल्कुल थलो स्लो कर दिती है बिल्कुल अग स्लो करती है तो अपने दम से जो तैयार हो जाए
जो दस मिनट का दम आएगा, दस मिनट दम तो बाद फिर मैं दम पट्टांगी इन्हों का मिक्सचर थोड़ा जिन्ना जी वजन रख दिनी है उपर मैं वजन ही फटी उल्टी करके रख दी फिलहाल। लो जी चावल मैं दम तो रखा सी हूँ मैं दम पढ़ लैनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी चावल कितने मजेदार कितने यमी बन गए चावल। चावल जी बहुत अच्छे बन गए माशाल्लाह बहुत टेस्टी माशाल्लाह माशाल्लाह। ना मेरे पोते ने चावल लाने हैं। चावल कैसे बने हैं? चावल जी माशाल्लाह इन्ने मजेदार बने हैं बहुत यमी बन गए चावल। देखो जी बहुत टेस्टी बन गए ने तो बच्चे खान गए तो फिर ही दसन गए कि कैसे बने हैं। लो जी मैं दम पट लेने चावल का चावल देख लेने चावल कैसे बने। हाँ जी हमने तो नहीं आपको चावल देने। मेरा बेटा दुआ कर रहा है कि असि चावल पके सारे घर असि चावल खाने हैं ते आज जेड़ी रेसिपी मैं बनाई है चावल बहुत मजेदार बने हैं बहुत अच्छे बन गए चावल। ते मैं कहा चलो बच्चों का दिल वा जैन लापे दीन का ज्यादा दिल से कह रहे मम्मा सारे वाले सू सब्जियां वाली राइस बना के दो जो राइस बनाए मैं अपने भैन भैया नाल मैं मैं अपना ब्लॉग बना ला जो मैं इधर ब्लॉग बनाया अपने भैन भैया ने शेयर किया चाहवा अपने भैन भैया को जा जो भैन भी लोग देखते हैं अल्लाह पाक उन्होंने तंदुरुस्ती दे सेहत दे अल्लाह अपनी जयमान च रखे जो बे औलाद है अल्लाह उन्होंने नेक औलाद दे जो बीमार अल्लाह मियाँ उन्होंने शफा दे अल्लाह मियाँ किसी सदके मेरे भरा गफार में भी तंदुरुस्ती और सेहत दे चाहवा कि इजाजत मिला कि नैक्सट वीडियो अगर मेरे भैन भी सा ब्लॉग अच्छा लगे पसंद आए लाइक करो शेयर करो कमेंट में सू जरूर दस्यो संद इजाजत सब सुन दे वाले जी अल्लाह हाफिज़।